नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं जिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन। शुरुआत करते हैं बड़ी अहम खबर से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। यह रही इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मध्य प्रदेश से जुड़ी ही। हम आपको बता रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। बताया जा रहा है कि दिल्ली, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज नागपुर दौरा, नागपुर से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद है। बड़ी जानकारी हम आपको बता दें कि नागपुर से जुड़ी हुई बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया गया। सप्ताह में शनिवार को छोड़कर हर दिन ये वंदे भारत एक्सप्रेस अपने तय समय पर दौड़ेगी। बता दी कि दिल्ली से जुड़ी हुई बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वंदे भारत की तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। बता दें कि नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया गया है। सप्ताह में शनिवार को छोड़कर बाकी सभी दिन चलेगी ये ट्रेन। ये वंदे भारत की तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन की तस्वीर देख लीजिए। इसके साथ ही साथ मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन होगा नागपुर में। नागपुर और बिलासपुर को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है प्रधानमंत्री ने अभी। तो नागपुर को विकास परियोजनाओं की सौगात मिल रही है और बेहद महत्वपूर्ण है ये इस लिहाज से भी। प्रधानमंत्री नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ और नाग नदी प्रदूषण उपशमन परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत प्रदूषण उपशमन परियोजना 1925 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से संचालित की जाएगी। तो तमाम जो परियोजनाएं हैं वो प्रधानमंत्री आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे और तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही साथ पीएम सेंटर फॉर रिसर्च मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथिस चंद्रपुर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री ने 2019 में रखी थी। तो जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि जिन परियोजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री करते हैं उसका उद्घाटन भी वो स्वयं करते हैं, यानी कि जो एक इससे पहले का जो दौर था जो कार्यों को लटकाने अटकाने भटकाने का, वो दौर अब खत्म हो चुका है और समय सीमा में जो परियोजनाएं हैं वो पूर्ण की जा रही हैं। तो इसी के तहत लगातार जो तमाम परियोजनाएं हैं उनको पूरा करते हुए और शहरी गतिशीलता में क्रांति लाने वाला एक और कदम आज उठाया जाएगा जब प्रधानमंत्री नागपुर मेट्रो के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और प्रधानमंत्री खपरी मेट्रो स्टेशन पर दो मेट्रो ट्रेन खपरी से ऑटोमोटिव स्क्वायर और प्रजापति नगर से लोकमान नगर, जो कि एक्वा लाइन की ट्रेनें हैं वहां पर, उसको हरी झंडी दिखाएंगे।